वही जनपद में सभी पेंशनरों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अपने कोषागार या उप कोषागार में अपडेट करवाना होगा। मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने बताया कि पेंशनर के आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर को पेंशन के डेटाबेस में अपडेट किया जाना है। पेंशनर किसी भी कार्य दिवस में अपने संबंधित कोषागार या उप कोषागार में जहां से पेंशन प्राप्त होती है, उन्होंने जनपद के समस्त पेंशनरों से अपील की है कि अपना पेंशन डेटाबेस को अवश्य अपडेट करवा लें। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जी, ये हमारी चमोली कोषागार में हमारी जितनी भी 9 सब ट्रेजरी हैं और इंक्लूडिंग हमारी सदर ट्रेजरी, तो हमारे यहाँ तकरीबन 2200-2300 के लगभग पेंशनर्स हैं जिनके पेंशन को का जो डेटाबेस है उसमें उनका आधार नंबर और पैन नंबर अपडेट होना है, जिसके लिए हमने अखबारों में भी विज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञप्ति जारी करी है। और इसके अलावा हमारे पास जो फिजिकली भी पेंशनर्स आते हैं उन्हें भी हमने बताया हुआ है, क्योंकि पेंशन के रिगार्डिंग आधार और पैन नंबर बहुत ज़रूरी हो गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर जो वो यूज़ करते हैं ताकि जब पेंशन जाए पर मंथ तो उनके पास मैसेज भी रिफ्लेक्ट हो, उसके लिए आधार और पैन गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी किया गया है। इसलिए हमने ये सभी जगह सूचना प्रचारित प्रसारित करी है कि हमारे चमोली जनपद के जितने भी पेंशनर्स हैं या तो वो हमारे सदर कोषागार गोपेश्वर में आकर या फिर जो हमारी नियर बाय सब ट्रेजरीज हैं, क्योंकि हमारे 9 ब्लॉक हैं यहाँ पर, 9 ब्लॉक में हमारी 9 सब ट्रेजरी हैं, तो उनका जो भी नियर बाय उप कोषागार है या तो वो वहाँ चले जाएं और या फिर सब ट्रेजरी हमारी यहाँ सदर ट्रेजरी में आकर के अपना आधार और पैन अपडेट करवा लें। उसके लिए उन्हें अपना जो भी पैन कार्ड है वो अपने साथ लेकर के आएंगे, आधार डॉक्यूमेंटेशन के लिए आधार की कॉपी, और इसके अलावा अगर वो चाहें तो बैंक पासबुक भी ला सकते हैं क्योंकि उसमें भी सारी डिटेल रहती है, और मोबाइल नंबर जो भी वो यूज़ करते हैं जो लगातार चालू रहे, हालत में रहे, तो इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेरा सभी पेंशनर से अपील है, अनुरोध है कि ये काम बहुत ज़रूरी है और आप इसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएंगे तो ट्रेजरी के लिए और सभी हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए भी आसानी रहेगी।